हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गोभी और पनीर की बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने पनीर को कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को भी कट कर लेंगे। और इसको कट करने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गोभी लिया है, उसको भी बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। इस सब्जी को हम सरसों के तेल में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है, जिसमें मैंने तड़के में जीरा, मेथी, अजवाइन, तेज़पत्ता डाला है। और टमाटर और प्याज को हम गला लेंगे। तो जैसे कि हम नमक डाल देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। गलने के बाद मैंने एक प्याज को मोटा मोटा कट किया है, उसको हम डाल देंगे। और उसी के साथ डाल देंगे हम गोभी को। तो आप चाहें तो यहाँ पे प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। और उसी के साथ हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। इन सारे मसालों को डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के हम 10 मिनट तक पका लेंगे। और इसमें इस सब्ज़ी में हम दही भी डालेंगे। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच हमने दही लिया है। अब हम पनीर को डाल देंगे। आप चाहें तो पनीर को फ्राई करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्राई नहीं किया है। और उसके बाद हम दही डाल देंगे। इसमें पानी बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे, इसको सूखी बनाएंगे। अगर आप पानी डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। इसके बाद हम ढक के इसको 5 मिनट तक पका लेंगे। तो ये देखिए, सब्जी का कलर बहुत ही प्यारा आया है और बहुत ही टेस्टी बना है। इसके बाद धनिया हम ऊपर से बारीक कट करके डाल देंगे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई।